हेलो एवरीवन, कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक जैन रेसिपी, आलू और चने की ग्रेवी वाली सब्जी। आइए देखते हैं इस सब्जी को हम किस तरह से बनाते हैं। ये है काले चने, इसको मैंने रात को ही भिगो दिया था। ये अच्छे से भीग चुके हैं और इसको मैंने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हमें काले चने बॉयल करने हैं। इसके लिए आप ले लीजिए एक प्रेशर कुकर, तो कुकर में ही चने बॉईल करेंगे। ये लिया मैंने कुकर और ये सारे चने मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगी, ये देखिए इस तरह से। और इसमें डाल देंगे हम पानी, तो ये देखिए जितना डीप हो चने उतना पानी डाल दीजिए इसके अंदर। और इसमें डालूंगी मैं आलू जिसको मैंने धो के छील लिया है, और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। और कुकर को बंद करके हम 3 विसल दिलाने से इसको कुक कर लेंगे। जब तक हमारे चने बॉयल होके कुकर ठंडा होता है तब तक मैंने लिए 2 टमाटर, तो मैं टमाटर को कद्दूकस कर लूंगी। आप चाहे तो मिक्सी में इसको पीस भी सकते हैं या छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं, पर आप इस तरह से डालेंगे ना टमाटर तो आपकी सब्जी की जो ग्रेवी है काफी अच्छी बनेगी। तो इस तरह से मैं टमाटर को पूरे कद्दूकस कर लूंगी। ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं, और मैंने थोड़ी सी ली है अदरक, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। 1 लूंगी हरी मिर्च, जो इसको बीच में से इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इस मिर्च के मैंने 4 टुकड़े कर दिए। आइए मैं आपको चने दिखाती हूँ। ये देखिए एक दाना हाथ में लेके इस तरह से, ये देखिए चने हमारे अच्छे परफेक्टली कुक हो चुके हैं। और जो हमने इसके अंदर आलू डाला था इसको भी मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। मैंने रखी है गैस पे कढ़ाई, इसमें डाला है 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप जो भी ऑयल यूज करते हैं वो यूज कर लीजिएगा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, 1 सूखी हुई लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, थोड़ी सी हींग, 1 चुटकी के बराबर थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब इसमें डालेंगे सबसे पहले ग्रेट किया हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्च, और सभी चीजों को हम थोड़ा भून लेंगे। ये देखिए अदरक और बाकी मसाले इसमें भून चुके हैं। अब तो इसमें ऐड कर देंगे ग्रेट किया हुआ टमाटर, इसमें मैं डालूंगी सूखे मसाले। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक मैंने चने उबालते वक्त उसमें भी डाला हुआ है। और अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आपके स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके, ये देखिए अच्छे से इसको टमाटर के अंदर मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे जब तक इसमें से मसाले में से तेल रिलीज ना हो जाए। आइए ग्रेवी को देखते हैं। ये देखिए इसमें से अच्छे से ऑयल रिलीज हो गया है, हमारे टमाटर वाली जो ग्रेवी है अच्छे से कुक हो चुकी है। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए फिर से। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे आपके सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल 1/4 चम्मच। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम मिला लेंगे चने, जो चने है ना उसको पानी के साथ ही आपको यूज करना है, इसका पानी बिल्कुल नहीं फेंकना। ये देखिए इस तरह से इसमें मिला दीजिए। और जो आलू था उसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, तो वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ये देखिए। और सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से। ये देखिए सभी चीजें इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला आपके स्वाद के अनुसार, तो थोड़ा सा बिल्कुल 1 चुटकी मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। और थोड़ा सा डालूंगी इसमें काला नमक, काला नमक डालते हैं ना तो चने से गैस भी नहीं बनती और चने को बहुत अच्छा सा टेस्ट देता है काला नमक। ये देखिए इसमें सभी चीजों को हम मिक्स कर देंगे। अगर आपको ग्रेवी जितनी कम ज्यादा चाहिए तो आप उसके हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच SDS का चना मसाला, छोला मसाला, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये चने और छोले को बड़ा ही अच्छा सा एक टेस्ट देता है। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। इस चने की सब्जी को आप रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी खाइए, बड़ा ही अच्छा लगता है। अब इसको हम 2 मिनट ढक के फिर से कुक करेंगे। आइए सब्जी को देखते हैं। ये देखिए इसमें से तेल भी रिलीज हो गया है, इसका मतलब हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। चने और आलू भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, ये देखिए। अब इसमें मैं मिला दूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच।
अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके जगह नींबू का रस का भी यूज कर सकते हैं। अब फाइनली हम इसको गार्निशिंग कर देंगे फ्रेश कटे हुए हरे धनिए के साथ। ये देखिए, अगर आपको मेरी बनाई हुई सब्जी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है, जल्दी मिलेंगे एक और नई हेल्थी सी रेसिपी के साथ। बाय।